प्रदेश में एक साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के रण में उतरने से पहले प्रदेश भाजपा अब बूथ मैनेजमेंट की तैयारियों में जुट गई है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ प्रदेश के सभी बूथ अभियान प्रभारियों की कार्यशाला हो रही है, जिसमें बूथ अभियान प्रभारियों को बूथ मैनेजमेंट के टिप्स दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से बूथ मैनेजमेंट करना है उसके भी ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रत्येक भाजपा मुख्यालय में हो रही बूथ अभियान कार्यशाला में प्रदेश के अलग अलग जिलों से जहां बूथ अभियान प्रभारी बुलाए गए हैं, तो वहीं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी कार्यशाला में मौजूद हैं। वहीं जयपुर पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस के सियासी घटनाक्रम पर निशाना भी साधा। कार्यशाला के बाद बूथ अभियान प्रभारी अपने अपने बूथ पर जाकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। 200 विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश भाजपा के 52,000 बूथ हैं, जिनमें से अभी 50,000 बूथ सक्रिय हैं, जहां पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी का भी गठन हो चुका है। वहीं 2,000 बूथ अभी भी ऐसे जो हैं जहां पर बीजेपी के बूथ स्तर की कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। तो आपको बता दें कि अरुण सिंह बैठक करने जयपुर पहुंचे हैं और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। अब घोषित मुख्यमंत्री और सत्ता में बैठे मुख्यमंत्रियों में जो घमासान हो रहा है, दो दो मुख्यमंत्रियों में, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मंत्री रोज गहलोत पे आरोप लगा रहे हैं और फिर भी आरोप जब मंत्री लगाते हैं तो गहलोत जी की यह नहीं होती हिम्मत कि उनको बर्खास्त करे, विधायकों को बर्खास्त करे, बल्कि उनके कहने पे दो चार पोस्टिंग कर देते हैं और पूरे प्रदेश में जो अच्छे अधिकारी हैं वहां कहीं न कहीं साइडलाइन हो गए हैं और जो ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट हैं उन अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है दबाव के कारण। इतनी कंप्रोमाइज वाली सरकार, इतनी समझौते वाली सरकार जो राजस्थान में चल रही है, ऐसा किसी अन्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, नैतिकता के आधार पे तो सरकार है नहीं। जब एक तरफ जो मंत्री और विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो किस नैतिकता के आधार पे वो ट्रांसफर पोस्टिंग सरकारी कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, इस समस्या पर है। जनता के मन में, जनता के निगाह में, जनता के देखने के नजरिया से तो यह सभी मंत्री और विधायक जो इस्तीफा दिए हैं एक तरीके से यह अपने पद से हट चुके हैं, लेकिन फिर भी यह बेशर्मी है, यह सरकार बने रह करके अपना काम काज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है। हम कार्यकर्ताओं के साथ, उनकी ताकत के साथ, संगठन के ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ राजस्थान की जनता के मुद्दे को उठाएंगे। और जनता त्रस्त है, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, उनके मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे और इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फिरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, बीजेपी बूथ मैनेजमेंट करने में लगी हुई है, कौन से बड़े नेता इस मैनेजमेंट में शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए, आज जो प्रदेश भाजपा कार्यालय में बूथ अभियान प्रभारियों की बैठक जो कार्यशाला है वो शुरू हुई है और जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह वो इस कार्यशाला में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया है, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है और तमाम जो नेता है वो मौजूद है। करीब 200 विधानसभा क्षेत्रों से 200 बूथ अभियान प्रभारी हैं, उनको बैठक में बुलाया गया, कार्यशाला बुलाया गया है और कार्यशाला के अंदर उनको बूथ मैनेजमेंट का जो टिप्स हैं, जो अंकुर हैं, वो सिखाए जाएंगे कि किस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर बूथ मैनेजमेंट करना है और क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। उन तमाम के साथ मंथन होगा और करीब 2 से 2.5 घंटे के लगभग ये जो कार्यशाला है चलने वाली है और कुछ जो एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ है, वो भी अपनी राय जो है इस कार्यशाला में रखेंगे। अच्छी जी, करीब 2000 के करीब ऐसे बूथ स्तर हैं जहां पर कार्यकारिणी नहीं बन पाई है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं भाजपा की? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी के 52,000 बूथ हैं, जिसमें से लगभग 50,000 बूथ जो हैं वो
सक्रिय हैं और 2000 बूथ ऐसे हैं जहां पर अभी बीजेपी की जो बूथ स्तरीय कार्यकारिणी है वो नहीं बन पाई है। तो कहा यही जा रहा है कि जो कार्यशाला के अंदर हो उन 2000 बूथ को लेकर भी बात होगी। साथ ही उसके अलावा जो अब आने वाले दिनों के अंदर जो सदा शहर का जो उपचुनाव होना है उसको ऊपर भी मंथन होगा कि क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि लगातार 2 बार से यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो अब तमाम जो रणनीति है वो भी कार्यशाला में जो और लीडर्स है उनके साथ में मंथन होगा। जी आज अरुण सिंह आए हैं ट्रेनिंग लेने कार्यकर्ताओं के, लेकिन वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो वो नदारद नजर आ रही है, कहीं नजर नहीं आ रही है, तो उनको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? क्या भाजपा साफ तौर पर 2 गुटों में जो नजर आ रही है उसका भुगतान भी उसको भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए अगर बात करें तो इस कार्यशाला की, तो इस कार्यशाला में केवल सिर्फ 3 ही लोग मौजूद है, क्योंकि ये जो वसुंधरा राजे जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और तो ऐसे में उनका यहाँ पर आना लाजिम बनता नहीं है। लेकिन जो मुख्य तौर पर जो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह वो इसमें शामिल हैं, जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं वो शामिल है और पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं के हैं चंद्रशेखर वो इस बैठक में शामिल है, क्योंकि इन्हीं ने जो लीडर्स है इन्हीं को इसमें आमंत्रित किया गया था, क्योंकि प्रदेश भाजपा का ये कार्यक्रम है तो लिहाजा इसलिए वसुंधरा राजे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।